अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जा रहे हैं सफर के लिए, लंबा सफर है और सारे बॉयज हैं। मैं जरा अभी सामान लेने के लिए आया था, निकलना है। फ्लाइट में बहुत ज्यादा कम टाइम है और जल्दी जल्दी पैकिंग करके सब लोग रेडी हुए हैं। सब लेट उठे थे तो निकलते हैं, शुक्र मेला लगाते हैं और होपफुली मजे का टूर होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, यार एक मसला है, गजा में और फलस्तीन में जो रोले हो रहे थे ना, उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज शेयर की थी जो हटा दी गई, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम की तरफ से, क्योंकि आपको पता है ये लोग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरे अकाउंट की रीच जो बिल्कुल गिरा दी गई है, ठीक है। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और पिन कर दूंगा, सारे लाजमी, बेशक आपने मेरे अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, लाजमी जाओ, कोई भी पिक्चर किसी भी चीज़ को लाइक कर देना, अकाउंट को शैडो बैन से हटाना है। मैंने तो नेकी की नीयत से बस स्टोरी शेयर की थी और मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट जो वो शैडो बैन हो जाएगा। आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है, सारे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम खोलो, फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो करो, वरना अकाउंट को शैडो बैन करने के लिए कुछ भी लाइक वाइक करके आ जाना यार। थैंक यू। बैग इधर है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है एयरपोर्ट सामने और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। चप्पल चुप्पल ही पहनी है मैंने, जल्दी जल्दी में शूज बैग में रख लिए थे। वो सामने खड़े हैं मिस्टर आमिर शहजाद, ये जा रहे हैं मिस्टर असद मुगल। बशीर जी तुमने भी लाइन सुनाई है, दोबारा सुनाओ थोड़ी सी। मतलब जख्म है मेरे दिल पर, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। यार अभी हम लोग फ्लाइट में और आप लोगों ने गेस करना है कौन सी फ्लाइट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कैमरा घुमाऊंगा। बादशाह इनको आपको लगता है गैस कर पाएंगे? नहीं नहीं, पक्की बात है, कोई हिंट दे दो, हमको गैस करेंगे। इतना बड़ा हिंट दे दिया आप। हेलो, मैं हूँ इस टाइम कराची में, लैंड कर गए हैं और आज मैं देखने जाऊंगा कि गाड़ी से चलते हुए क्या मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है नहीं रहता। खत्म, गुड बाय, गया। यार इस बंदे ने मेरा मोबाइल छीन लिया है। मैं सोच रहा था शीशा नीचे करके थोड़ा व्लॉग बनाऊं और देखूं कितनी देर तक मैं अपने iPhone 15 Pro Max के साथ कराची में सर्वाइव कर सकता हूं। यार आप कराची करने के आए हो ये बताओ। कराची यार हम मार्केट लेने हैं। मार्केट लेने कराची आ गए हो? यार वो बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत कम प्राइस में मिल रही है और अगर मिलगी तो यहाँ से चला के जाएंगे वापस। साथ में वो आपको कुछ और भी देंगे थे। क्या देंगे बाबा जी? ये तो मुझे नहीं पता, ये अमर भाई करते हैं, अमर भाई से पूछ लेते हैं। क्या देंगे, क्या देंगे ब्रो? साथ में मुझे लगता है सब कुछ ले लेंगे। साथ में वो वापसी पे नंगे जाओगे सारे इधर से? ओए नहीं नहीं यार, कराची वाले दिल वाले होते हैं और मेरा सारा ननिहाल यहाँ रहता है। ऐसी बातें नहीं करो कराची वालों के बारे में। अभी हम जाते हैं, जरा देखते हैं मोबाइल हमारा चिंता है नहीं चिंता। भाई डंगर आ गए कराची में, डंगर आ गए, जानवर आ गए। A few moments later. पब्लिक अभी हम लोग मौजूद हैं कराची में, मैं आपको थोड़ा सा अपना होटल दिखाता हूँ। और कल काम था यार, काम करके मैं सो गया था, बहुत बिजी था, फिर उठा, ब्रेकफास्ट किया, अभी तक सारे सो रहे हैं, मैं बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो अपने रूम का ही टूर कराते हैं। और ये आमिर भाई सो रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे टेबल वगैरह पड़ा हुआ था सारा। अच्छा इधर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा मैंने उससे ये ऑर्डर किए थे चाय बनाने के लिए, मतलब कि बहुत थोड़े से होते, मैंने बहुत ज़्यादा मंगा लिए थे और मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ ना, तो इसलिए ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे। ये पानी की बॉटल्स पड़ी हैं भाई, ये वाली चाय थोड़ी अजीब तरीके की बनती है, पानी गर्म करके फिर कच्ची पक्की बनानी पड़ती है, लेकिन गुजारा हो जाता है। उसके अलावा ये दो बेड्स हैं हमारे एंड दिस इज़ द मिरर, और मैं भी अपने उस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो हम लेके आए थे दुबई से, ठीक है। ये यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह थे और ये वो जगह है जो बहुत ही अजीब बनी हुई है, उसका रीज़न ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वो है टॉयलेट सीट, पीछे भी शीशा है, साइड पे भी शीशा है, और अगर आप बंद कर दो तो फ्रंट पे भी शीशा है। तो अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को फ्रंट से भी देख सकते हो, अपने आप को साइड से भी देख सकते हो और अपने आप को बैक से भी देख सकते हो। मतलब फुल ऐसा बना रखा है कि तीन, आप बैठते हुए हकते हुए तीन एंगल से अपने आप को देख सकते हो। यहाँ नहा सकते हैं, जो कि मैं और मेरे दोस्त ये वाला काम बहुत कम करते हैं, ठीक है, नहाने वाला, तो इसको हमने यूज़ नहीं किया। फ़ोन, अगर आप यहाँ बैठे हो और पानी नहीं आ रहा तो आप उनको फ़ोन करके बता सकते हो कि भाई पानी नहीं आ रहा, पानी चला दो, तो फिर आपका पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे रूम का थोड़ा सा टूर, बॉयज उठते हैं तो मैं थोड़ा और शुक्र मेला लगाऊंगा। ओए रुको, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, पब्लिक ये देखो, आप लोग देख सकते हो ये जंगली कबूतर है, मैं अगर विंडो खोलूंगा तो ये उड़ जाएगा, बिल्कुल ही पास में बैठा हुआ यहाँ पे, और ज्यादा थे यार, एक उड़ गया जब मैंने थोड़ा सा कैमरा स्विच किया और रिएक्शन दिया ना तो उड़ गया। पकड़ने की कोशिश करें, रुको ये उड़ जाएगा, वैसे मुझे लग रहा है। चल जा ठीक है, अभी हम थोड़ी चाय बनाएंगे फिर आपको एक चीज दिखाएंगे, जरूरी चीज दिखाएंगे, ठीक है। ब्राउन शुगर 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 चाय ही बन जाए, कुछ और ना बने। आखिरी में हम डालेंगे टी बैग्स, तो मतलब बस चाय हमारी ऑलमोस्ट
रेडी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। यार हम लोग आ गए थे लाहौर से वापस, अभी साइको निकालने। लाहौर तो गए भी नहीं थे। ओ हाँ यार, कराची। असल में मैं लाहौर इतना जाता था ना कि मुझे कराची भी लाहौर। हम कराची से वापस आ गए थे, शूट था, मैं रिवील नहीं कर पाया शूट। उसका रीजन ये था यार कि अभी मुझे अप्रूवल नहीं था कि भाई मैं कुछ भी दिखा सकूं। सही से बताओ, मार्केट्स लेने गए थे, मिली नहीं। नहीं यार सही बताओ, बताओ नहीं। पसंद नहीं आती आपको एक तो? नहीं नहीं, कराची में भी पसंद नहीं आई। कह रहे कि गर्मी है, गर्मी है, मैं किधर लेने जाऊं भाई। छोड़ो यार, बस गुजरी बातें छोड़ो। डंगर लेके जाऊंगा, डंगर भी नहीं लेके आए। गुजरी बातें छोड़ो यार, मिट्टी पाओ मिट्टी। अभी हम लोग साइको निकाल रहे हैं। बोलो इनको रोज ब्लॉग डाला करो यार, सुस्त आदमी है। साइको टेंशन लेता, साइको साइको निकालेंगे। हम लोग जा रहे हैं मार्केट से, देखने डंगर चढ़ा दिया डाले में। छग्गा है ये। अच्छा अभी का आपको थोड़ा सा सीन बता दूं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट से देखने और उसको लेने की पॉसिबिलिटीज है ना 90% है, क्योंकि वो हमें पिक्चर्स में, वीडियोस में, डिटेल्स में, बहुत कीमत में, हर चीज में बहुत पसंद आई। साल हो गया 90% 100 कप होगा। वो आगे गाड़ी में नीचे कुचल देगा आपको। ओ, यार क्या खूबसूरत गाड़ी है बाबा जी। इस बंदे के लिए ना छत गाड़ी वालों को ऊंची बनानी चाहिए, जितना उसका कद है। जब भी अहमद भाई आएगा ना तो मैं उसके साथ यहाँ पे खड़े होके बातें करूंगा। कद बहुत ज्यादा है ना, हम लोग गाड़ी निकालते हैं, अहमद गाड़ी लगाएगा और उसके बाद हम निकलते हैं। अच्छा आपको डिटेल बताऊं, हमें गाड़ी बहुत पसंद आई हुई है पिक्चर्स में और डिटेल में, कीमत में, हर चीज़ में गाड़ी पसंद है। अब सिर्फ जो चीज़ रहती है वो है गाड़ी को चेक करना कि गाड़ी का इंजन ठीक है, गाड़ी ठीक है, वो चीज़ रहती है। तो अभी जाते हैं और चेक करते हैं फौरन से। गाड़ी अभी मैंने चलाई है, अभी चला रहा है अहमद, हम लोग लेके मैं आया था, वापस अहमद लेके जा रहा है। ठीक है, गाड़ी से ना मुझे पर्सनली बाहर से कुछ नहीं चाहिए, ख़राब हो जैसे मर्जी हो, पेंट होने वाली हो, पेंट शावर्ड ही होती है मोस्टली, इंजन वाइज ठीक होनी चाहिए। पर्सनली माई आंसर इज़ नो। अभी बाकी सेकेंड ड्राइवर हमारा जो है वो चला रहा है, क्योंकि जब एक चीज़ मैंने चलाई भी है, मैं फर्स्ट टाइम चलाऊँगा ना मार्केट्स, मुझे लगेगा यार क्या गाड़ी है, जो बंदा जाने नहीं है इसमें नहीं है ना, यही चीज़ मैंने फील किया। भाजी मार्केट्स बंद ले दे सिर्फ इंजन के, उसमें जान शावर मावर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जान नहीं है भाई गाड़ी में, जान नहीं है बिल्कुल। ये बात सच है, हमने रेड वाली देखी थी, उसका भी ये सीन था, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज हुई भी होती हैं और शौकीन बेचता नहीं, और बेचता तो तब बेचता है जब उसके लग चुके होते हैं। खैर हम लोग वापस आ गए हैं, टेस्ट हो चुकी है, गाड़ी लगाते हैं साइड पे, द डिसीजन इज नो, डिस्कस करेंगे बैठ के उसको भी। से ना हो पाएगा। यार हमने बॉलिंग शॉलिंग कर ली और गाड़ी देख ली, अब हम आए खाना खाने। बादशाह आपको पंजाबी की वो कहावत सुनाएगा जो लाहौर के बारे में, जमियावाली। जमियावाली क्या कहावत है जो लाहौर नहीं जमिया वो नहीं जमिया। यार पंजाबी बोल, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं दिखिया वो नहीं जमिया। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा गपशप का दिल था तो सोचा आप लोग का गपशप लगा लूँ। मैंने शूट के सिलसिले में लाहौर गया ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो वो शूट कर रहे थे, वो लाइक फिल्म्स और मूवीज़ और बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह शूट करते हैं। ठीक है, अदील पीके उनका नाम है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत तरक्की दी है। वो हमारा एड ना शूट कर रहे थे, तो उनके ज़रिए मेरे एक बड़े सीनियर हमारे सर हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ना मुझसे पूछा मेरे बारे में, तो मैंने उनको बताया। यार जो लोग ब्लॉग देख चुके हैं या जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो बस स्किप कर दें, अनॉनिमस की पब्लिक बैठ के सुने। वाक्य उन्होंने मुझसे मतलब काफ़ी चीज़ें पूछी, बहुत खुश हुए मिलके। देन उन्होंने कहा यार मुबीन तुम नेक काम, डोनेशंस वगैरह ये चीज़ें करते हो, तो मैंने उनको बताया। मैं मतलब ऑफ द रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्डिंग करता हूँ तो लोग कहते हैं यार कि दिखावा कर रहा है ना, मतलब ये डिस्कशन चल रही है। देन उन्होंने मुझे पूछा यार मुबीन तुम जीरो से उठे हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी तरक्की दी, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मेरा आंसर था कि इसके पीछे रीज़न है मेरे अल्लाह ताला का फजलो करम, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो तुम सिर्फ उसको जवाब दो, तुम करो, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम दिखाओ और तुम सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब दो। लोग अगर कहते हैं कि दिखावा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको बोलने दो। अगर तुम्हारी देखा देखी कुछ और लोग भी ट्राई करने लग गए तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्वाब तुम्हें मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे इतने दिल को लगी, तो मैंने डिसाइड किया यार आज के बाद मतलब मैं जो ऑफ रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए और अल्लाह ताला की रजा के लिए, वो मैं ऑन रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा भी दिखा दिया करूँगा। तो ये एक बड़ा अच्छा वाक्य था जो
मैं इस चीज़ को आगे अप्लाई भी करूँगा तो आप लोग देखोगे, सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। और दूसरा यार ये कि मार्केट्स ब्लैक वाली की डील होती रहेगी, उसके बाद रात को मार्केट्स आई थी हमारे पास, शाहजी लेके आए थे, खुद लेके आए थे, उनसे डील नहीं बनी, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, हो सकता है अभी थोड़ी सी निगोशिएशन के बाद डील हो जाए, मतलब डील बनी नहीं, बैठे थे हम लोग चाय से भी, वो लोग फिर वापस चले गए। अगर डील बनती है तो हमें गाड़ी मिल जाएगी। मैं जितनी जल्दी कर रहा था उतना वेट करना पड़ रहा है यार, क्योंकि गाड़ी शौकिया लोगों के पास होती है और जो मैं देखता हूँ तो मतलब बाहर से शावर हुई होती है, साफ़ सुथरी हालत में होती है, लेकिन इंजन वाइज ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने चला रखी है, मुझे पता है यार, तो मज़ा नहीं आ रहा था। लेट हो रही है, कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत अमली इसमें होगी, कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो इस चीज़ को सोचते समझते हुए इस व्लॉग को करते हैं एंड। हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में मैंने आप लोगों से अपने दिल की थोड़ी गपशप लगाई और हर व्लॉग के एंड में मैं लगाया करूँगा। जो लोग फन के लिए देखते हैं वो स्किप कर दिया करना, और जो लोग मतलब मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बातों को सुनना, मेरे दिल की बातों को सुनना चाहते हैं, तो वो एंड तक देख लिया करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।